लीजिए मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू सो मच। आप अंदर आइए ना, हम मिलके पिज्जा खाते हैं। नहीं नहीं मैम, थैंक यू। मैं तो डिलीवरी पार्टनर हूँ, मेरा काम था आपका ऑर्डर डिलीवर करना, मैंने कर दिया, अब मैं चलती हूँ। अरे ये पिज्जा मैंने आपके लिए ही ऑर्डर किया है, आप अंदर आइए मिलके खाते हैं। मैं समझी नहीं मैम, इतना महंगा पिज्जा आप मेरे लिए क्यों ऑर्डर करेंगी? अरे आप अंदर तो आइए, मैं सब समझाती हूँ आपको। आइए। अरे मैम। आइए 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 आइए। अरे प्लीज आइए। अरे बैठिए 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 प्लीज। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैम, आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? आपको पिज्जा खाना तो अच्छा लगता होगा ना, तो प्लीज पिज्जा खाइए। मैम ये पिज्जा मैं आपके घर डिलीवर करने आई थी, आप ये पिज्जा मुझे क्यों खिला रही हैं? हम तो घर बैठे बड़े आराम से ऑर्डर कर देते हैं, और आप धूप बारिश तूफान किसी भी मौसम में हर हालत में खाना डिलीवर करती हैं, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना थैंक यू करने का। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम घर घर जाके डिलीवरीज करती हो, प्लीज डोंट माइंड, पर मैं अच्छे से समझती हूँ कि तुम्हारी कोई ना कोई मजबूरी होगी। जी मैम, मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ साल पहले छोड़ दिया था, मेरी एक छोटी सी बेटी है, जिसकी वजह से मुझे फूड डिलीवरी पार्टनर की जॉब करनी पड़ती है। मैं समझ गई थी कि जो लड़की घर घर जाके फूड डिलीवर कर रही है वो डेफिनेटली किसी मजबूरी में होगी, इसीलिए मैं हर वीकेंड ऐसे ही करती हूँ, कोई ना कोई रैंडम फूड ऑर्डर करती हूँ, और जो भी डिलीवरी पार्टनर ऑर्डर देने आता है ना बस उसे ये ऑर्डर खिला देती हूँ। अरे मैम लेकिन हमें हमारी जॉब के पैसे मिल जाते हैं, आपको हम लोगों को ये पिज्जा खिलाने की जरूरत ही नहीं है। पैसे मिलते होंगे लेकिन उन पैसों से सिर्फ तुम्हारा मन भरता होगा, पेट नहीं। अरे एक पार्सल के लिए तुम्हें सिर्फ 20 या 30 रुपए ही तो मिलते होंगे, उन पैसों से तुम्हारा घर कैसे चलता होगा? तुम टेस्टी फूड हमेशा डिलीवर करती हो ना, आज तुम खुद खा के देखो कि वो फूड वाकई में कितना टेस्टी होता है। एक तरफ आप जैसे लोग हैं मैम, जो मुझ जैसे डिलीवरी पार्टनर की कितनी वैल्यू कर रही है, कितनी रिस्पेक्ट कर रही है, और एक तरफ वो लोग होते हैं जो हमें इंसान भी नहीं समझते, हमसे बदतमीजी से भी बात करते हैं और हमें इंसान तक नहीं समझते। अरे नीतू तेरे पास यार वो, अरे ये डिलीवरी गर्ल तेरे घर पे क्या कर रही है, और तू से डाइनिंग टेबल पे ये पिज्जा इसे खिला रही थी क्या तू? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम आप एक दूसरे को जानते हैं क्या? जी हाँ मिस डिलीवरी गर्ल, जानते हैं हम एक दूसरे को, ये ना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और ये यहाँ पे क्या कर रही है तू जानती है कैसे? नीतू तुझे पता है ये सेम डिलीवरी गर्ल ना थोड़े दिन पहले मेरे घर पे भी डिलीवरी करने आई थी, और मुझसे बहुत ज्यादा बेइज्जत होके गई थी, वो सुनाया था मैंने इसे लेट जो आई थी। पिछले एक घंटे से ना पिज्जा ऑर्डर कर रखा है, अभी तक कोई देने नहीं आया, आज तू आने दे से, देख फ्री का पिज्जा लूंगा मैं इससे। अरे यार भाई छोड़ ना, ये सब तो चलते ही रहता है, वो तुम मुझसे ऐप के बारे में पूछ रहा था ना, तू ना रंबल ऐप डाउनलोड कर ले, तुझे पता है उस पे तो ग्रेट इंडियन क्विज आई है, जिसे खेलकर तू बहुत सारे पैसे जीत सकता है, वो भी बिना पैसे लगाए, और तो और PS5 और मोबाइल फोन जैसे प्राइजेस भी जीत सकता है। अरे वाह यार ये तो बहुत सही ऐप है। हाँ भाई बहुत बढ़िया ऐप है ये, अभी रंबल ऐप डाउनलोड कर प्ले स्टोर से। हाँ भाई मैं अभी डाउनलोड कर लेता हूँ। अबे सुन वो देख ये सामने डिलीवरी गर्ल, मुझे लगता है यही मेरे घर पिज्जा देने आने वाली थी, रुक मैं फ्री का पिज्जा लेके आता हूँ। चल ठीक है। अरे कहाँ मर गई है तू, कब से मैं अपने घर के बाहर तेरी वेट कर रहा हूँ कि अब मेरा पिज्जा आएगा, अब मेरा पिज्जा आएगा, और तू यहाँ गली के नुक्कड़ के बाहर खड़ी होकर ये स्कूटी को स्टार्ट कर रही है। मेरा पिज्जा है ना, ला इधर दे। सॉरी सर, देखिए ना मेरी स्कूटी को पता नहीं क्या हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रही, बस उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गई, सॉरी। अरे बस बस, अच्छे से जानता हूँ मैं तुम जैसे डिलीवरी वालों के बारे में, थोड़ा सा लेट क्या हो जाओ कि मुंह पे बहाने तो जैसे रटे ही होते हैं, तुम जैसे लोगों को कुछ और काम है या नहीं है? अरे अपने टाइम की वैल्यू नहीं तो कम से कम हमारे टाइम की वैल्यू तो कर लो। अब इस पिज्जा के ना तुझे मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, जाए यहाँ से। अरे सर ये क्या बात कर रहे हो, 600 रुपए का पिज्जा है, अगर आपने पे नहीं किए तो सारे पैसे मुझे अपने पॉकेट से देने पड़ेंगे। हाँ तो तू अपनी पॉकेट से ही भरेगी ना, लेट आने को मैंने बोला था, नहीं ना तू लेट आई है, तूने गलती करी है तो अपनी गलती का हर्जाना भुगत, और वैसे भी जितनी तू लेट आई है ना अब तक तो ये पिज्जा खराब हो गया होगा, खाने के लायक भी होगा पता नहीं। नहीं सर अगर पिज्जा खराब हो गया तो आप खाई क्यों रहे हो, मुझे रिटर्न कर दो ना, मैं रेस्टोरेंट से चेंज करवा के आपको नया पिज्जा ला देती हूँ। नहीं नहीं एक्सचेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये पिज्जा ना अपने घर ही लेके जाऊंगा, गर्म करके देख लूंगा, अगर ठीक हुआ तो खा लूंगा, और नहीं तो गली में कुत्तों को खिला दूंगा या फेंक दूंगा, लेकिन तुझे ये पिज्जा नहीं दूंगा, तूने गलती करी है ना तू अपनी गलती की हर्जाना भुगत। अरे सर सर मेरी बात सर ऐसा मत करो प्लीज सर।
हाँ मैम, इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया। एक तो इतने बदतमीज इनको बोलने की तो जरा तमीज नहीं है, ऊपर से मेरे ऑर्डर के पैसे तक नहीं दिए, वो सारे पैसे मैंने अपने पॉकेट से भरे हैं। रोहन, ये सब क्या है? तुझे अच्छे से पता है कि ये लड़की घर घर जाके फूड डिलीवर करती है, और सिर्फ थोड़ा सा लेट होने के चक्कर में तूने उसके साथ ऐसे बिहेव किया। अरे यार, क्या हो गया तुझे? तू क्या इस दो कोड़े की डिलीवरी गर्ल के साथ इतनी सहानुभूति दिखा रही है? जानती है कैसे? इतना साथ क्यों दे रही है? दो कोड़े की डिलीवरी गर्ल है ये। जानती नहीं हूँ, लेकिन हर वीकेंड मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं डिलीवरी पार्टनर्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो हर वीकेंड पे ऐसे मैं रैंडम फूड ऑर्डर करती हूँ, और जो भी डिलीवरी पार्टनर वो फूड डिलीवर करके जाता है, मैं ये ऑर्डर उन्हें दे देती हूँ, ताकि वो और उनकी फैमिली ये टेस्टी फूड को खुद भी एंजॉय कर सके। वाह यार नीतू, ये तो बहुत अच्छा तरीका है ऐसे डिलीवरी पार्टनर्स की मदद करने का, डोनेशन करने का। मेरा तरीका तो बढ़िया है, लेकिन तुझे क्या हो गया? क्या हो गया अगर उससे थोड़ी सी देरी होगी पिज्जा डिलीवर करने में? और साथ ही साथ उसने बोला भी था कि वो ऑर्डर वापस ले जाएगी, तब भी तूने अपने थोड़े से लालच के लिए उसका इतना बड़ा नुकसान करवा दिया। मैं ना तुम जैसे लोगों की वजह से ना इनकी मदद करती हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से समझती हूँ कि इनको कैसे कैसे कस्टमर्स को फेस करना पड़ता है, और कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को भी। हाँ मैम, हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। एक तरफ आप जैसे लोग हैं जो मुझ जैसे डिलीवरी पार्टनर की इतनी वैल्यू कर रही है, इतनी रिस्पेक्ट कर रही है, और एक तरफ आपके दोस्त जैसे लोग हैं जिनको बोलने तक की तमीज नहीं है। मैम, अगर आप जैसे कुछ लोग और आ जाए ना, तो इस दुनिया में कभी भी कोई भूखा नहीं सोएगा। कोई बात नहीं मैम, छोड़ो इसे। जो इसने किया वो इसकी सोच थी, और जो मैंने किया वो मेरी सोच थी। अब तुम ये पिज्जा ले जाओ, अपने घर पे लेके जाओ, और अपनी बेटी को भी खिलाना और खुद भी खाना, और साथ ही साथ ये लो तुम्हारे ऑर्डर के पैसे। नहीं मैम, मेरा आपसे पैसे लेने का मन नहीं कर रहा। एक तो इतना महंगा पिज्जा आपने मुझे दे दिया, ऊपर से आप पिज्जा के पैसे भी दे रहे हो मुझे। मैंने कहा ना कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो प्लीज आप मुझे सेवा करने का मौका दो। जी मैम, थैंक यू, वेलकम। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो, हमारी वीडियो में दिया गया मैसेज जरूर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को जरूर शेयर करना। थैंक यू।